नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में चल रहे एनएच निर्माण में किसानों की जमीन के बदले लाठियां मिल रही हैं। मुआवजे की मांग कर रहे किसानों पर पुलिस ने रात के अंधेरे में किसानों, महिलाओं और बच्चों के साथ जमकर मारपीट की, घरों में तोड़फोड़ भी किया, जिससे किसानों में आक्रोश है। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के बालवरगंज गांव से होकर एनएच 233 गुजर रहा है, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। किसानों का आरोप है कि उनको मुआवजा आज तक नहीं मिला। देर रात एनएच निर्माण में लगी कार्यदायी संस्था अपने मजदूरों और मशीनों के साथ उनकी जमीन पर निर्माण कार्य के लिए पहुंचे तो किसानों ने विरोध करना शुरू कर दिया। कार्यदायी संस्था ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और किसानों में जमकर मारपीट हुई। किसानों का आरोप है कि एनएच में उनकी जमीन चली गई, लेकिन आज तक उसका मुआवजा नहीं मिला। बावजूद इसके जबरदस्ती उनकी जमीन पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसका जब विरोध किया गया तो पुलिस कर्मियों ने उनके साथ मारपीट की। उनके घरों में तोड़फोड़ के साथ ही महिलाओं से भी मारपीट और अभद्रता की गई। यही नहीं, पुलिस ने 5 किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। यही नहीं, पुलिस ने 5 किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको जेल भेज दिया। बात करिए, थाने द्वारा हमको परेशान किया जा रहा है। कप्तान थाना सर जबरदस्ती हमको दंडित कर रहे हैं, दंडे से बहुत लोग मारे सर। पहले मैं बता दे रहा हूँ, हम लोगों का जमीन का मैटर ऐसा नहीं पाएंगे। अब यही कह रहे सर, रात में 10 बजे लोग हर गया घर में। अच्छा, दो बिटिया, एक बिटिया दो पकड़ लेके हम यहाँ जोड़ा था। हाँ। 10 जने हर गया, हमारे झोटा पकड़ के हमारे लाते मारा था बगल में। अच्छा, बिटिया हाथ जोड़ा थी, पतो हाथ जोड़ा थी, ना मारा था। कहा था भोसड़ी वाले पैसा पा रहे हैं, मर जा, घर बना रहे हैं, तोड़ो फोड़ो को तोड़ फोड़ के बार बार करके भाग जाओ। ये कुछ के खूब बना लगा लोग, पहले 10 मिनट घर में रहा, हाथ जोड़ जोड़ थे भैया बाबू, ना लोग माना था, मार गलिया के भग गए लोग रात को। फिर का 7 बजे आना, हम लोग 7 बजे बुलाओ था। हाँ, जब कुल काम लोग फिट कर ले गलिया मार के, तो हम कहा 7 बजे जाए। क्यों आपको भी है आपका सदस्य बोले? आप बहुत गलिया होना सम्मानना भैया। थाने में भी कोई आपका बंद है घर का? अच्छा, लड़के आपके घर के बंद हैं जो रोक रहे थे, मतलब कार्य को न करने को जैसे, और उनको पुलिस वाले ले उठा कर बंद किए हैं, और ये सब सारी चीज तोड़ फोड़ किए हैं घर में से ले गए ना मार पीट के। अच्छा, दरवाजा फट गया ला। अच्छा, वो लड़का के देख लिए जाई वहां जाके भैया, और एक लड़का हमारे जेठे के बंद है, देवर हमारे बंद है। आपका सर क्या कहना है, किस किस वजह से मतलब मामला हुआ है आपके घर पे? मौजा ले ले खाते के घर। मौजा लोग नहीं दे रहे थे, दोस्ती लोग रोड बना रहे थे हाईवे पे। हाँ, हाईवे पे जी, NH 233 जी। हमने मौजा संबंधित बात किए तो लोग बोले अभी तुमको थाना बंद करवा देंगे, मरवा देंगे, मुकदमा करवा देंगे, ये सब किए हम लोग, हट गए। फिर बुला के थाने के लोग आके दोस्ती लोग बंद कराने लगे, तो दो चार लोग बोले गए, फिर आके अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।